हेलो बाबू, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है? मैं आपका, चलो छोड़ो, मेरा नाम हटाओ, सीधे मुद्दे पर आते हैं। अभी हम लोग नंबर सिस्टम का सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 के क्वेश्चन मैं आपका ऑलरेडी बनवा चुका हूं। वहां पे आपको कोई कठिनाई नहीं हो रही होगी। और आज मुझे टाइप 5 के क्वेश्चन बनाने हैं। यह जो टाइप होगा आपके लिए कोई नया क्वेश्चन नहीं होंगे, जो कुछ आपने पढ़ा है बस उसी का रिविजन करना है। और जब रिविजन करना है तो एक चीज मैं आज चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप क्विकली क्वेश्चन को हल करो। देखो, एग्जाम में आपको सफलता प्राप्त करने के लिए क्वेश्चन को तो जल्दी बनाना होगा। तो क्या केवल आप एग्जाम में जल्दी बनाओगे? क्या आप घर में आराम से बनाओ और परीक्षा में बैठो तो आप तेजी में बना लोगे? क्या ऐसा संभव है बाबू? नहीं मेरे बाबू, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको घर पे ही प्रैक्टिस करनी होगी कि आप तेजी में क्वेश्चन को बनाओ। तो चलो, सिर्फ मैं बोलूंगा नहीं, आज मैं करके दिखलाने वाला हूं। आज हम लोग काफी तेजी में क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। टाइप 5 के कुल 16 क्वेश्चन है, जिसे मैं काफी शीघ्रता से करने वाला हूं। आप बस वीडियो में मेरे साथ बने रहो शुरू से अंत तक। आपको कहीं भी अगर दिक्कत हो तो वीडियो को रोक करके आप दोबारा से देखें या दो बार आप देख लें। अगर आप लर्नर हैं, अगर आप अभी सीख रहे हैं, तो मेरा सुझाव होगा आप दो बार देखें। लेकिन आप इसलिए इस वीडियो को नहीं छोड़ दें क्योंकि काफी मैं तेजी में बना रहा हूं। देखिए, मैं यह आपको सिखलाने के लिए बना रहा हूं बाबू, कि आपको किस तरह से तेजी में कैलकुलेशन और कंसेप्ट। देखो, मैं तीन बार बोल रहा हूं, इसको साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। कैलकुलेशन भी फास्ट होना चाहिए और कंसेप्ट भी आपका क्लियर होना चाहिए। बात मेरी समझ पा रहे हो? तो चलो शुरू करते हैं। टाइप 5 का क्वेश्चन हमें शुरू करना है और आपके स्क्रीन पे टाइप 5 का क्वेश्चन है। और देखो, पहला क्वेश्चन है, कहता है कि निम्न भिन्नों में से कौन सी सबसे छोटी है? 9/13, 17/26, 28/39, 33/52। यहाँ पे हमको दशमलव में चेंज करके बनाना बेहतर है। 9/13 को अगर दशमलव में चेंज करे बाबू तो क्या होगा? इसको हम लिख सकते हैं 0.69। अभी 17/26 है, इसको दशमलव में चेंज करें तो आप क्या लिख सकते हो? कैलकुलेशन फास्ट रखो, 0.65। अगला 28/39 है फ्रैक्शन, इसको अगर दशमलव में चेंज करेंगे तो 0.71 लिखना पड़ेगा हमें। देखो, 33/52 अगला फ्रैक्शन है, इसको अगर दशमलव में चेंज करें तो इसको हम लिख सकते हैं 0.63। अब आपको क्या पूछा गया था? आपको बोला गया था कि सबसे छोटा भिन्न निकालना। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक कर लेता हूं मैं। अभी देखो, सबसे छोटा भिन्न आपको बताना था, तो यहाँ पे 0.63 सबसे छोटा है। तो 0.63 किसके लिए आया है बाबू? तो यह आया है 33/52 के लिए, और आपका आंसर होगा पहला नंबर ऑप्शन। बात मेरी समझ पा रहे हो? आगे बढ़ सकते हैं ना? आगे बढ़ते हैं बाबू। देखो, सेकंड नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है जो 108 से विभाज्य है? तो 6 अंकों की सबसे पहले तो सबसे छोटी संख्या ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या बोला गया था? तो 108 से विभाज्य है, तो सबसे पहले 108 से भाग देकर देखते हैं कि क्या 108 से यह कटेगा। मुझे पता है नहीं कटेगा, फिर भी भाग देकर के देखा जाए। तो 108 से 9 बार में इसको लेके जाएंगे, होगा 972। घबराना बिल्कुल नहीं, मेरे साथ बने रहो। कैलकुलेशन भी हम लोग साथ में करेंगे, कंसेप्ट भी समझेंगे। घटा लेते हैं तो 28 एक जीरो ले लेते हैं। अभी देखो, दो बार में इसको मैं लेकर के जा सकता हूं, दो बार में लेकर जाएंगे तो होगा 216। 280 से 216 को बाबू घटा देंगे तो बचेगा 64। अभी देखो, यहां पे एक जीरो और हमारे पास है। अभी पांच बार में मैक्सिमम इसको हम लेके जा सकते हैं, तो अभी पांच बार में लेके जाएंगे 540 होगा। 540 640 से अगर घटा लेते हैं तो बचेगा अपने पास 100। अब देखो, यहां पे यह चीज है कि यहां 5-6 अंकों की जो छोटी संख्या, इसमें कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा हमें। तो क्या जोड़ना होगा? तो 100 में क्या जोड़ें तो 108 हो जाए, यानी कि हम कह सकते हैं कि 8 कहा जा सकता है ना। 108 से 100 को घटाएंगे, 8 होगा। और 6 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है उसमें आप 8 को जोड़ दीजिए तो आपका आंसर होगा। घटा तो सकते नहीं है, घटाएंगे तो यह 5 अंकों की होगा। देखो तो आंसर कहाँ दिया है, आपका आंसर जो होगा चौथा नंबर ऑप्शन होगा। समझ पा रहे हो? आगे बढ़ते हैं बाबू। कहता है कि निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? तो देखो, यहाँ पे 6/7, 5/6, तो देखो अंश और हर का अंतर तो एक है, सब जगह बराबर है। तो छोटी संख्या से बना भिन्न छोटा और बड़ी संख्या से बना भिन्न बड़ा। बड़ी भिन्न लेना है तो 7/8 अपना आंसर होगा, और आंसर देखिए दिया हुआ है चौथे नंबर ऑप्शन में। आगे बढ़े बाबू, अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर। कहता है कि नीचे दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन है? 0.9 को आप बाबू क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो 0.9, और चाहे जितना इसके आगे जीरो लगा लो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। इसके बाद 0.9 के ऊपर एक रिंग है, 0.9 और 9 के ऊपर एक रिंग है, यानी 9 बार बार अब आने वाला है। 9 को हम चाहे अनंत तक लिख सकते हैं। आगे देखेंगे तो क्या दिया था, 0.09 के ऊपर एक रिंग है, 0 के ऊपर एक रिंग नहीं है, तो 0 एक बार रहेगा। लेकिन अब इसके बाद 9 के ऊपर एक रिंग था तो 9 को
को हम चाहे जितना बार लिख सकते हैं। इसके बाद 0.09 और 09 दोनों के ऊपर एक रिंग है, तो 09 को हमें रिपीट करना होगा चाहे जितना बार हम रिपीट कर सके। हमें बताना था सबसे बड़ा भिन्न, तो देखो सबसे बड़ा कौन सा होगा, सेकंड नंबर पे यानी कि 0.999 और आपका आंसर होगा 0.9 के ऊपर एक रिंग। देखो किस ऑप्शन में दिया है, तो दूसरे नंबर वाले ऑप्शन में दिया है। काफी आसान सा मामला है बाबू, आगे बढ़े, इजाजत है। अभी देखो पांचवा नंबर का क्वेश्चन कहता है कि 2, 5, 0, 6 एवं 8 अंकों से बनी पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो इस बड़ी संख्या हमको निकालना है, तो बड़े अंक से शुरुआत करेंगे ना। बड़ा अंक सबसे पहले क्या दिया है, 8 है, उसके बाद होगा 6, उसके बाद है 5, उसके बाद होगा 2 और लास्ट में होगा 0। देखो अभी उसके बाद छोटी संख्या लेना है, तो 0 से शुरू नहीं करेंगे, 2 से शुरू करेंगे, नहीं तो 4 अंकों की संख्या बनेगा। 2 के बाद 0 ले सकते हैं, उसके बाद लिखेंगे 5, उसके बाद होगा 6 और उसके बाद बड़ी संख्या यानी 8। अब हमको करना क्या था, घटा लेना था। चलो घटा लेते हैं, 10 में से 8 को घटाएंगे हो जाएगा 2, 11 में से 6 को घटाएंगे होगा 5, 14 में से 5 को घटाएंगे 9, 5 में से 0 यानी 5 और 8 में से 2 घटाएंगे 6। चलो आंसर चेक कर लेते हैं बाबू किस ऑप्शन में दिया हुआ है। देखो तीसरे नंबर ऑप्शन में आपका आंसर दिया हुआ है, बात समझ पा रहे हो। अगला क्वेश्चन, यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी 75 से छोटी है तो वह संख्या क्या है। ऐसे प्रश्न में एवरेज लेना होगा। यहाँ पर 31 और 75 दो नंबर दिए गए हैं, एवरेज लेने के लिए हमें दोनों को प्लस करके और 2 से भाग देना होगा। बस ध्यान देना, ऐसी संख्याओं में हमको औसत निकालना होता है। चलो जोड़ लेते हैं बाबू, जोड़ेंगे तो होगा क्या, 106 और बटा में कर लेंगे 2, तो अभी हल करेंगे तो होगा कितना, 53। और देखो आपका आंसर जो दिया है वह चौथे नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है बाबू सेवन नंबर, कहता है 1.5, 1.05, 1.05। देखो 5 के ऊपर में पॉइंट जो दिया है ना वो रेकरिंग है, और 1.5 देखो यहाँ भी ऊपर में पॉइंट होगा, रेकरिंग होगा। देखने से आपको पता चल सकता है कि आंसर आपका चौथा होगा, क्योंकि पहले भी इस तरह का एक क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। चलो बनाते हैं, 1.5 को क्या लिख सकते हैं। देखो 1.5 के बाद चाहे जितना जीरो लगाना हो आप लगा सकते हो, है ना। 1.05 के बाद हमको 0.0 लिख सकते हैं। अच्छा 1.05 और 5 देखो रेकरिंग दिया है ना, यहाँ पे ध्यान से देखो, तो 5 का रिपीटेशन होगा, होगा ना। अच्छा 1.5 को ऊपर क्रिंग है, तो 5, 5, 5 हम चाहे जितना बार लिखना चाहे लिख सकते हैं। अभी सबसे बड़ा भिन्न क्या होगा, आंसर तो बता ही चुके हैं ना, 1.5 के ऊपर में रेकरिंग है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, काफी आसान सा क्वेश्चन था यह। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है बाबू कि इनमें से कौन सा भिन्न 3/4 से बड़ा है लेकिन 5/6 से छोटा है। देखो इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए थोड़ा हर बराबर होना चाहिए। अच्छा 3/4 है, इसको ऊपर नीचे 15 से अगर गुणा करें हम, तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि यह 45 और बटा में 60 होगा, लिखा जा सकता है। अच्छा 5/6 को अगर ऊपर नीचे 10 से गुना करें, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि यह 50 और बटा में 60 होगा। अगर अपने ऑप्शन को अगर देखें, देखो 45 और 60 के बीच में मुझे चाहिए, 1/2 को अगर लिखें तब तो यहां पे 30/60 होगा, यानी ये तो अपना आंसर नहीं होगा, होगा क्या, नहीं होगा। 2/3 को देखें, तो अगर इसको हम चेंज करें तो 20 से ऊपर नीचे गुना करें 40/60, तो 40 भी 45-50 के बीच में नहीं आएगा। लेकिन 4/5 को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, चलिए मैं इधर लिख लेता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखो ऊपर नीचे 12 से गुना करो तो 48/60 होगा, और 48, 45 और 50 के बीच में आता है, तो ये आपका आंसर होगा, है ना। आगे बढ़ सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, यहाँ कहता है पी का वैल्यू है -0.12, क्यू का वैल्यू है -0.01 और आर का वैल्यू है -0.015, तो तीनों के बीच सही संबंध क्या है। देखो माइनस में दिया है निगेटिव में, जो बड़ा दिखता है वही सबसे छोटा होता है, यानी कि -0.12 जो होगा ये सबसे छोटा होगा, और अगर ये सबसे छोटा होगा तो पी सबसे छोटा होगा। और देखो देखने ही से लगता है कि अभी आपका चौथा नंबर ऑप्शन को ध्यान से देखो, सिर्फ इसी ऑप्शन में पी सबसे छोटा दिया गया है, तो यह आंसर होगा, है ना। नंबर 10 में कहता है कि वह सबसे छोटी भिन्न कौन सी है जिसे 2.1/2, 3.1/3, 4.1/4, 5.1/5 में जोड़ा जाए तो वह एक पूर्णांक बन जाए। तो पूर्णांक बनाना है तो सिर्फ फ्रैक्शन वाले पार्ट को जोड़िए। यहाँ पर 1/2 दिया हुआ है, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5। चलो सबको जोड़ लेते हैं। अच्छा जोड़ेंगे तो अभी एलसीएम लेना पड़ेगा ना, एलसीएम क्या होगा बाबू, तो यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 60, है ना। तो 2 से 30 बार में, 3 से 20 बार में, 4 से 15 बार में, समझ पा रहे हो,
और पाँच से अगर 12 में, तो सबको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। देखो सबको ऐड करोगे तो 77 होगा, यानी 77/60। तो यहाँ भी अब तो पूर्णांक में ये तो आ गया, यानी इसको हम लिख सकते हैं 77/60 को लिखा जा सकता है 1 × 17/60। तो अब देखो 17/60 थोड़ा सा कलर चेंज कर ले बाबू, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक कर लेते हैं। तो 17/60 जो है यह फ्रैक्शन में है, तो हम इसमें क्या जोड़ें, तो देखो 17 में क्या जोड़ेंगे 43, यानी 43/60 अगर जोड़ दें तो यह हो जाएगा पूर्णांक। और देखो आंसर चौथे नंबर ऑप्शन में दिया है, समझ पा रहे हो, आगे बढ़ें। देखो अगला क्वेश्चन बाबू है 11 नंबर, 5/113, 7/120, 13/145, 17/160 में सबसे बड़ा भिन्न कौन है? भाग देने बैठोगे ना रात हो जाएगी, क्वेश्चन बनेगा नहीं। सिर्फ देखो कि हर किसका बड़ा है, किसका हर बड़ा है 17/160 का, तो आपका आंसर होगा चौथा नंबर ऑप्शन। कुछ लॉजिकल भी क्वेश्चन एसएससी पूछता है तो ध्यान देना होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, कहता है 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? ये तो आपको पता है 97 होगा, इसमें ज्यादा कुछ कहना नहीं हमको। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, कहता है कि 100 में ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या से गुना किया जाए कि 15 का अपवर्त हो? देखो 100 में किसी भी संख्या से गुना करोगे लास्ट में 2 जीरो तो रहेगा ना, रहेगा कि नहीं रहेगा? जैसे 100 हो गया, 200 हो गया और 300 हुआ, लेकिन यह 15 का अपवर्त होना चाहिए। अच्छा बताओ 100 15 से कटेगा? नहीं कटेगा। 200? नहीं। 300? हाँ जी कट जाएगा। तो 100 में कितना से गुना करना पड़ेगा? तो 3 से गुना करना पड़ेगा, यानी चौथा नंबर ऑप्शन आंसर हुआ, है ना। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, कहता है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 तथा 11 से विभाजित करने पर शेषफल 3 और 7 क्रमशः बचे? यानी अगर 7 से भाग दें तो इसका रिमाइंडर कितना होना चाहिए? 7 से अगर भाग दें तो बोला गया क्रमशः है, यानी कि पहले 7 है और शेषफल में 3 है, तो 7 से शेषफल 3 होगा और 11 से 7 होगा। तो पहले तो अंतर देख लो ऐसे क्वेश्चन में कि 7 और 3 का अंतर 4 और 11 और 7 का अंतर 4, ऐसे स्थिति में अंतर हमेशा कॉमन आता है, दोनों जगह 4 है। अब आपको 7 और 11 का एलसीएम लेना होगा, क्योंकि यहाँ पे इसी से भाग देना है, एलसीएम हो जाएगा आपका 77, और चूंकि जो भी आपका अंतर आ रहा था उसको अंतर कर लीजिए तो यहाँ पर आंसर होगा 73। तो काफी आसान सा मामला है, जो भी एलसीएम कंसेप्ट जानते हैं इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 15, कहता 41 से विभाज्य 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, आप तो बना ही सकते हो, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या पहले ले लो और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में हमको 41 से अभी भाग देना है। देखो 2 बार में मैक्सिमम इसको लेकर जा सकते हैं, होगा कितना 82, घटा लेते हैं। अगर आप घटाओगे तो आपको प्राप्त होगा 18, एक जीरो ले लेते हैं। अभी इसको हम 4 बार में लेकर के जा सकते हैं और हमारे पास हो जाएगा 164, 180 से घटा लेते हैं 164 को, तो परिणाम होगा हमारे पास 16, एक जीरो और हमारे पास बचा हुआ है। अब इसको हम 3 बार में अगर लेकर के जाते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 123, यहाँ से अगर घटाएंगे तो हमारे पास 37 बचेगा। अच्छा बताओ 37 में कितना जोड़ेंगे 41 होगा, घटा लेते हैं ना, 41 से अगर 37 को घटा लेंगे बचेगा अपने पास 4, बचेगा 4, तो यानी कि 4 यहाँ पे हमें जोड़ना होगा। तो देखो तो अभी आपका कौन सा आंसर होगा, तीसरा नंबर, 3 में दिया है, है ना। आगे बढ़ लेते हैं, देखो आज का लास्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, कहता है निम्न में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, रेकरिंग वाला है सवाल, बना सकते हो 0.7 को क्या लिखेंगे, 7 के बाद 0 0 जितना लगाना हो लगा लो, 0.7 के ऊपर में रेकरिंग है तो 7 7 7 7 इस तरह से लिख सकते हैं, 0.07 के ऊपर में रेकरिंग है तो 0 7 7 7 7 जितना लिखना चाहो, और 0.07 है और दोनों के ऊपर में रेकरिंग है तो 0 7 का रिपीटेशन होगा, बड़ी संख्या कौन सा होगा, समझ ही पा रहे हो, यानी आपका सर चौथा नंबर ऑप्शन होगा, बात समझ रहे हो बाबू। तो देखो अभी 16 क्वेश्चन बनाया गया, इसमें अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो ना तो आप मुझे कमेंट करके बताना, ओके। अब मिलते हैं अगले क्लास में, अपना ख्याल रखना।